गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, साथ में शेयर और लाइक भी किया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अपन पढ़ रहे हैं, अभी हम ना वही टॉपिक चल रहा है। अब बात करते हैं उसका क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है उसका क्षेत्र कितना है, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होना ही होना है, और अगर प्रोडक्शन होना है तो प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग होनी ही होनी है। तो प्रोडक्शन होने और उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग होने में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेप ऑफ ऑपरेशन, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पीपीसी का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, यानी इसको आप समेट नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि ये जो ये मार्कर है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन है, तो ये हमारी जो पीपीसी है ये कहाँ अप्लाई होगी, केवल मार्कर के प्रोडक्शन में ही होगी? नहीं, मार्कर की चाहे वो मटेरियल की बात हो, इन्वेंट्री की बात हो, कॉस्ट की बात हो, इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन की बात हो, मशीनरी टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे उसकी कहना चाहिए एडवर्टाइजिंग की बात हो, चाहे उसकी मार्केटिंग, चाहे उसकी फिनेंसिंग, वट एवर इट इज, हर चीज में ये अप्लाई होगा। किस तरह से माल मंगाया होगा, कौन सा प्रोसेस किया गया होगा, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका कंट्रोलिंग, दैन उसकी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके फ्लो पे निगाह रखना, उसके क्वालिटी को मेंटेन करना, कॉस्ट को रिड्यूस रखना, वो बहुत सारी एरिया है जहाँ पे पीपीसी लागू होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि पीपीसी का अगर स्कोप की बात करोगे तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि पीपीसी का स्कोप बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है, फिर भी हमें कुछ समेटना तो पड़ेगा ही ना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी समेटने की दिमाग को रखते हुए हमने इसे इस तरीके से कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। देखें क्या है। तो स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहला स्कोप होता है पीपीसी कहाँ अप्लाई होगा। पीपीसी मटेरियल में अप्लाई होता है। अगर बात करें कि कोई भी प्रोडक्शन हो तो उसका जो मटेरियल होगा वहां पर हमें पीपीसी का ध्यान रखना है। पीपीसी के हिसाब से ही हमारे मटेरियल का सिलेक्शन कहना चाहिए, चाहे उसका प्रोक्योरमेंट हो, चाहे मटेरियल को कहाँ स्टोर करके रखना है, उसकी इन्वेंट्री कैसे होगी, यानी मटेरियल कितना मंगाया जाएगा। आप समझते होंगे एक क्वांटिटी ऑर्डर होता है ना, AQC बोलते हैं, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑर्डर, AQO कह लो, है ना। तो इसको कहते हैं कि एक इन्वेंट्री मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि कितना कच्चा माल मेरे पास गोदाम में है, कितना प्रोसेसिंग में चल रहा है और कब मुझे ऑर्डर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोसेसिंग होने के बाद जो कच्चा माल अवेलेबल था वो भी प्रोसेसिंग में चला जाए और हमारे पास एक न्यू प्रोसेसिंग के लिए नया माल कच्चा आए ही नहीं। यानी हमें ये देखना पड़ेगा किस एडिक्वेट टाइम पर कितनी एडिक्वेट क्वांटिटी में हमें नया कच्चा माल ऑर्डर कर देना है। तो ये मटेरियल में भी इसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि अगर जो कच्चा माल खत्म हो जाए और हमारे पास नया कच्चा माल ना आए, ये भी खराब है। तो ये भी खराब है कि यदि ओवरलोडेड हो जाए, हमें उसके स्टोर करने में समस्या आने लगे या उसके खराब होने की गुंजाइश नजर आने लगे और उधर से माल बनना ही नहीं, उतनी खपत नहीं हो रही है बनने में जितनी की हमारे पास सप्लाई आ गई है कच्चे माल की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे ये निगाह रखनी पड़ती है कि जो माल है, जो मटीरियल है, कच्चा माल जिसको कह रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री किस तरह से हो, उसकी प्रोक्योरमेंट किस तरीके से और उसका स्टोरेज किस तरीके से हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा कि इसकी स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होगा। आपने देखा होगा हम सिंपल हमारे घरों में भी हर चीज को जब स्टोर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हर एक की एक जैसी नहीं होती है। एज पर द नीड और एज पर द नेचर ऑफ द कॉमोडिटी वी हैव टू स्टोर एंड वी हैव टू मेंटेन टू सेव द आइटम।
तो इसलिए इस अगर अगर हम घर के लेवल पे इतना दिमाग लगाते हैं तो सोचो एक फैक्ट्री लेवल पे, एक प्लांट लेवल पे तो कितना ज्यादा माल होता है, कितना ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ होता है, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का ध्यान मटेरियल में भी रखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा कि मटेरियल का नेचर भी खराब ना हो और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी उसी डिजायर्ड क्वालिटी का बन जाए जिसको हमने सोचा है। तो ये कहते हैं चाहे वो प्रोसेसेस हो या ऑपरेशंस हो या उन ऑपरेशन की सीक्वेंसेस हो, इन सबके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन सा सीक्वेंस कब कहाँ लगेगा, कौन कौन से कामों को किया जाएगा उस पर्टिकुलर मेथड में, यानी जो फ्लो ऑफ ऑपरेशन कहना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहना चाहिए, ये भी यहाँ पे सेट होता है। तो उसके लिए भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अब बात कर रहे हैं मशीन्स की, मशीन्स किस तरीके से यूटिलाइज होंगी और किस तरीके से उसमें माल लोड किया जाएगा। देखो मशीन्स का होता है आप लाइन अरेंजमेंट रखेंगे मशीन का या आप जिगजैग फॉर्म में रखेंगे, तो कई बार ऐसा चीज डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्शन नेचर किस तरीके का, हम बैच लॉटिंग करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेस लेआउट है या प्रोडक्ट लेआउट है, सर्कुलर लेआउट है या ग्रुप या कंबाइंड लेआउट है या कंप्यूटराइज लेआउट है, बहुत सारी चीजें जो कि हमने अभी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये सब पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, चाहे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़ो, चाहे ऑपरेशनल एंड मटेरियल मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ो, ऑल आर इंटरवीव्ड एंड इंटर रिलेटेड, हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बीबीए के हम सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं और फाइनल ईयर में हम प्रोडक्शन मटेरियल को मैनेजमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद हम MBA में इस तरह के लेवल के पेपर पढ़ते हैं। ये जो आपके इंजीनियरिंग लेवल के पेपर हैं, ऑपरेशनल इंजीनियरिंग के पेपर हैं ये, इनको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक चीज दूसरे तक इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बता दिया है कि मशीन में हमने ध्यान दिया है प्रोडक्ट प्लांट का जो लेआउट है ये कैसे असर डालेगा। लेआउट में आपको पढ़ा होगा कि अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज होता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पीपीसी यानी उसकी प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए मशीन का यूटिलाइजेशन कैसे होने वाला है, क्या एक मशीन एक महीने में एक ही बार यूज होगी या हर दिन यूज होगी, डिपेंड करेगा कि हमारा नेचर और प्रोडक्ट कैसा और या हम मशीन को किस तरह से यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है हमारा जो लेआउट है या प्रोसेस ओरिएंटेड है। इन सारी चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा तब कहीं जाकर के हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन पे कॉस्ट बहुत सारी आती है। तो अगर उस मशीन की प्रोडक्टिविटी हमने उसकी कॉस्ट के अगेंस्ट में नहीं जारी करी तो ये मान लेना कि हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, और अगर हमने उस मशीन के यूटिलाइजेशन को मल्टीप्लिकेटिव कर दिया तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन पावर, हमारे जो आदमी हैं, हमारी जो मानव शक्ति है उसके कितने चाहिए और किस स्किल्स के चाहिए, यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हमें कितने लोग चाहिए और कितने दिमाग चाहिए। देखो मैंने अभी लास्ट टॉपिक पे भी मैंने आपको क्लियर किया था, हमें सिर चाहिए या हमें दिमाग चाहिए। सिर चाहिए इसका मतलब होता है क्वांटिटी मेथड, और दिमाग चाहिए उसका मतलब होता है क्वालिटी मेथड, यानी हमें जो लोग चाहिए, हमें वर्कर कह लो, लेबर कह लो, एक्सपर्ट्स कह लो, मैनेजर कह लो, व्हाटएवर इट इज, जो हमें लोग चाहिए वो लोग दिमाग वाले चाहिए या सिर वाले चाहिए। तो जहां पे सिर वाले चाहिए वहां पे सिर के लिए ही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, और जहां दिमाग वाले चाहिए वहां हमें सिर की काउंटिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हो सकता है एक व्यक्ति चार लोगों के दिमाग वाला काम कर ले, और वरना जहां एक दिमाग चाहिए था अगर आपने 10 सिर भी अगर भर्ती कर लिए ना, तो यकीन मान लेना वो डिजायर रिजल्ट नहीं आएंगे जिसके लिए हमने उनकी भर्ती की थी, अननेसेसरी बल्कि कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते समय हमारे मैन पावर में स्किल्स क्या होनी चाहिए और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने चाहिए। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें देखना पड़ेगा हमारा प्रोडक्शन, उसका प्रोसेस, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल, वो सब ऑपरेशन कैसे हैं, किन टेक्नोलॉजी को हम यूज करने वाले हैं और किस तरह के लोगों की हमें जरूरत रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं रूटिंग, अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल की रूटिंग क्या होगी, हम जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो काम जो प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, वो कैसे जाने वाला है। तो रूटिंग में कहते हैं फ्लो ऑफ वर्क, जो काम होगा उसका फ्लो क्या होगा,
कैसे काम यहाँ से वहां से वहां से वहां आगे जाएगा, यानी जो प्रोसीड होगा वर्क प्रोसीडिंग जो होगी वो उसका फ्लो क्या होगा। जिगजैग फ्लो अगर होता है तो यकीन मान लीजिए अननेसेसरी हमारा टाइम मनी और एफर्ट वेस्ट होते हैं, और अगर एक स्मूथ लाइनिंग फॉर्म में अगर वर्क फ्लो होता है तो हमारा काम अच्छा होता है और हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव रहती है। तो डिपेंड करेगा रूटिंग क्या है। उसके अलावा एस्टिमेटिंग में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या होगा, यानी ऑपरेटिंग टाइम के टाइम पे हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन वो क्या है, उसको बेस बनाकर ही हम एक्चुअल टाइम के साथ में वेरिएशंस पता कर सकते हैं। तो इसके लिए भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं शेड्यूलिंग की। शेड्यूलिंग का मतलब है टाइम टेबल बना देना कि कब क्या कब कैसे होगा, यानी वर्क फ्लो के साथ साथ अब ये काम होना कैसे है, कब कौन कैसे काम करेगा, उस चीज का शेड्यूल बनाया जाता है। तो शेड्यूलिंग के टाइम पे भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं डिस्पैचिंग की। डिस्पैचिंग का मतलब होता है चीजों को आगे से आगे भेजना। तो उसके लिए कौन अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस कौन होगा, किस तरीके से चीजें किसके पास जाएंगी, यानी कौन किसका बॉस होगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और कौन किस वर्क का या डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसे किसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए रहेगी, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपीडिएटिंग का मतलब होता है फॉलो अप करना, यानी जो काम हम कर रहे हैं क्या वो कंप्लीट चल रहा है, सही चल रहा है, उसमें वेरिएशंस तो नहीं आ रहे, उसको फॉलो अप करना, उसको ध्यान देना, उसका फीडबैक लेते रहना। और फॉलो अप करने का मतलब होता है कि सारी चीजों पर एक ऑब्जर्वेशन रखना, तब कहीं जाकर के हमें पता चलता है कि हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। इसके अलावा हमें इवैल्यूएशन में भी प्लानिंग कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है कि यानी पूरे काम का ओवरऑल इवैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं। ये तो हो गई बात स्कोप की, प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, जो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, जिसको अपन ने पीपीसी कहा है। अब बात जरा करते हैं इसके क्या बेनिफिट्स है और कौन कौन सी इसकी लिमिटेशन है। देखो मैं बेनिफिट्स जरूर बोल रही हूँ, लेकिन साथ में मैं डिसएडवांटेजेस नहीं बोल रही हूँ, डीमेरिटेड मेरिट्स नहीं बोल रही हूँ। क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि चीजों से नुकसान नहीं बल्कि सीमाएं हैं, उसकी सीमाएं हैं। तो एक बात यकीन मान लेना, कई बार बच्चे गलती से लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इसका जैसे कहना चाहिए इसके एडवांटेजेस हैं तो अगेंस्ट साइड में उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। कई बार चीजों से नुकसान कम और वो सीमाओं में ज्यादा काउंट होती है। तो हमने इसे नुकसान नहीं कहा है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी कुछ जरूरतें हैं, उसके पूरा होने पर ही या अपनी परफॉर्मेंस या अपना जो एक्चुअल इसकी सिग्निफिकेंस है वो साबित होती है। तो हम इसे डीमेरिट नहीं कहेंगे, डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कह रहे हैं। तो जरा देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने बेनिफिट्स में कहा या एडवांटेज फॉर्म में मान लीजिए, इट इज एन हार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन, यानी उत्पादन से संबंधित जितना भी प्रबंधकीय कार्य होगा उसके लिए कहना चाहिए ये दिल है। क्योंकि दिल क्यों ना हो, देखिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग किसी भी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए दिल का ही काम करते हैं। विदाउट हैविंग अ गुड प्लानिंग एंड गुड कंट्रोलिंग यू आर नथिंग, ये फैक्ट है। अगर हम प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैनेजरियल फंक्शन का जो कंट्रीब्यूशन कहना चाहिए वो बहुत ही अंदर से जुड़ा हुआ है, इंटीमेसी रहती है इनमें। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन, और ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन है। तो अपने आप ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं किसी भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन का ये दिल है, अगर ये दिल धड़कता है तो ही काम चलता है, अगर दिल रुक गया तो किसी भी काम का होना मायने ही नहीं रखता। उसके अलावा ये कहते हैं हायर क्वालिटी, अगर हम पीपीसी के जरिए किसी भी प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो यही इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम इसके जरिए हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करके हमारी मार्केट में गुडविल को एनहेंस करते हैं, मजबूत करते हैं। उसके अलावा कहता है ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को, इन्वेंट्री को, चाहे मनी कह लो, मैन कह लो, एनर्जी कह लो, टाइम कह लो, कुछ भी कह लो, हर एक चीज का रिलेशन तो पैसे से ही है, और पैसे का मतलब है कॉस्ट, और कॉस्ट को अगर आप मेंटेन कर लो यही बहुत बड़ी बात है।
और ना केवल मेंटेन रिड्यूस कर लो, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे कहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपीसी एप्लीकेशन वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा क्योंकि हम तरीके से प्लान और कंट्रोल अगर चीजों को करें और ऑपरेशंस के साथ में कोऑर्डिनेशन कायम करें तो हम क्वालिटी बढ़ाते हैं और कॉस्ट को घटाते हैं। इसके अलावा कहते हैं हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेट जो गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। तो जो अपने ग्राहकों को उपभोक्ताओं को संतुष्ट कर ले वही सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट कहा जाता है। तो अगर कहें कि बीपीसी का सबसे बड़ा फायदा अगर कहें तो वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के जरिए जब क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली हम हमारे ग्राहकों को संतुष्ट कर पाने में सफल होंगे ही होंगे। अब ये तो हुई सारी बात बेनिफिट्स की, जरा कुछ बातें करते हैं कौन सी ऐसी सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से हम वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते जो हम करना चाहते थे। तो कुछ सीमाएं हैं, जरा बात करें कैसे। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, वो कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन और इसका ये मतलब होता है कि जो मान्यताएं हैं ये उस पर आधारित है। अब मान्यताएं क्या कहती हैं, ये कहता है हर एक चीज स्मूथली चलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, प्लांट की कैपेसिटी अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमें इजीली हो जाएगा, हमें पावर भी अच्छा मिल जाएगा, ये सारी चीजें हम मानते हैं तब कहीं जाकर के प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है। तो ऐसा हम मानते हैं कि ये सब मिल जाएगा, पर अगर ये नहीं मिलता है, मान लीजिए पावर की सप्लाई नहीं आ रही है, रॉ मटेरियल अब पीछे से रुक गया है, जैसे अभी COVID-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि कई लोग करना चाहते हैं पर जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर या कुछ लॉकडाउन फीचर्स थे उस वजह से पीपल आर नॉट इजी टू डू द वर्क, तो उसीलिए उनका बिजनेस ठप हो गया। तो यहाँ पे यही चीज कह रहे हैं कि अगर आप अच्छी बेहतरीन प्लानिंग और कंट्रोल कर भी लो तो भी एक एजम्पशन पे काम चलता है कि सब कुछ हमें सप्लाई कहना चाहिए, कैपेसिटी कहना चाहिए, पावर अवेलेबिलिटी कहना चाहिए, वो सब हमें मिल जाएगा। तो ये जो मान्यताएं हैं ये हमारी सीमाएं हैं और यही सीमाएं हमें मजबूर कर देती हैं कि हमारे को वो डिजायर्ड बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जिसके लिए हम इस पे काम कर रहे थे। तो ये तो देखो एक ऐसा है, जरूरी नहीं है हमेशा ही ये चीजें आपको हर्डल बने, मान के तो चलना ही पड़ेगा, बिजनेस में मान के तो चलना ही पड़ता है, अजम्पशन के बिना तो इकोनॉमिक्स है ही नहीं। ठीक है, हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो उसका सबसे बेसिक फाउंडेशन जो चीज है, जो फंडा है, दैट इज इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हिंदी में बहुत बार आपने पढ़ा होगा यदि अन्य बातें समान रहे तो, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो हमें मान के तो चलना ही पड़ेगा। तो ये लिमिटेशन है, मानने को मान सकते हैं कि ये लिमिटेशन, लेकिन ये एक जरूरी चीज है, अजम्पशन बेस्ड है ये, राइट। आगे बात करते हैं रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है एक कड़ापन, और रिजिडिटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि हम ये मान लेते हैं कि चीजें जो हैं फिक्स रहेंगी और एक रिजिडिटी रहेगी उन बिहेवियर्स में जो जो एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं और उनका जो शेड्यूल है, टाइम ऑफ वर्क जो है उसमें एक रिजिडिटी रहती है, यानी उसमें एक कड़ापन रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते अपने कामों को। अब आपको क्या लगता है ये कोई नुकसान है ना, ये कोई लिमिटेशन है, हो भी सकती है, क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक नेचर है भाई, अपना एक नेचर है, इस वजह से जब अच्छी प्लानिंग और कंट्रोलिंग हो उसके बावजूद भी हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों की रिजिडिटी है, लोग थोड़े से कहना चाहिए रूखे हैं, अक्खड़ हैं, काम करने में सपोर्ट करें नहीं करें ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के कुछ रिजिडिटी फीचर्स इसमें आ जाते हैं। आगे बात करता है डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फर्म्स, देखो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक मास प्रोडक्शन को दिमाग में रख के चलते हैं, तो एक लार्ज यूनिट जो है उसको दिमाग में रख करके ये सारे काम सोचते हैं। हम यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ही कहेंगे कि ये छोटी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसके नुकसान नहीं है, ये इसकी सीमा है क्योंकि छोटी संस्थाओं के पास इतना बड़ा बजट और इतना ज्यादा प्रोडक्शन का डिमांड होता ही नहीं है, तो ये वहाँ अप्लाई होता ही नहीं है, तो जब वो अप्लाई होता ही नहीं है तो बेनिफिट्स कहाँ से देगा। तो यहाँ इसकी ये सीमा है, नुकसान नहीं सीमा है कि ये छोटी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है या मुश्किल भरा है, मुश्किल भरा है। आगे बात करते हैं एक और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसकी लिमिटेशन में, कॉस्टली, ऑब्वियस इट इज वेरी कॉस्टली,
निसंदेह ये बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हर चीज को एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अगर एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे कुछ चीजें, महंगी मशीन, महंगे लोग, महंगी सामग्री, महंगे प्रोसीजर वगैरह वगैरह जब लगे होते हैं तो ऑब्वियस ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। तभी तो कहीं जा करके हम अपनी उस कॉस्ट को माइनस कर पाएंगे, क्योंकि इसने कॉस्ट डिमांड की भी है। तो ये इसका नुकसान नहीं है, इसकी सीमा है। और जब बड़ी संस्थाओं के लिए होता है तो वो कॉस्ट मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हम छोटी संस्थाओं के सामने कहेंगे तो वो कॉस्ट है और वो मैटर करती है। जैसे इसको ऐसा मान लो कि अगर बड़ी संस्थाओं के सामने 50 लाख भी कीमत नहीं रखता, और छोटी संस्था अगर होगी तो उसके लिए शायद 1 लाख भी बहुत बड़ी कीमत रखता हो। तो अगर हम ये कहें कि 1 करोड़ की कीमत का ये टेक्नोलॉजी है, तो छोटी संस्थाएं कहेंगे भैया ये तो बहुत महंगी है। अरे ये महंगी है पर ये आपके लिए सूटेबल भी नहीं है। और बड़ी संस्थाएं कहेंगी कि इतना तो लगता है, अगर कोई चीज स्मार्ट वर्किंग होगा तो इतना तो लगेगा। तो ये चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्शन की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके मार्केट की, आपके काम की डिमांड क्या है, राइट? तो इस तरीके से इनको हम नुकसान नहीं, लिमिटेशंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा जो हमने दो टॉपिक ले लिए, एक तो स्कोप ऑफ पीपीसी और एक बेनिफिट और लिमिटेशंस जो पीपीसी के हैं, उनको आज की क्लास में कवर किया है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो, मेरी क्लास और मेरा प्रेजेंटेशन समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। Thank you, students.